हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह कंटेंट और है हमारे पास। एक सैमसंग का M02 मॉडल है जिसकी FRP लॉक लगी हुई है, तो हम इसकी FRP लॉक रिमूव करेंगे गाइस। तो चलिए देख लेते हैं इसमें FRP लॉक लगी है कि नहीं लगी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का बटन नहीं आएगा, मतलब इसमें FRP लॉक लगा हुआ है गाइस। तो इसकी FRP बहुत इजी तरीके से रिमूव करेंगे UMT से। अगर आपको पता है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखें। ये आपको बहुत ईजी तरीके से आप इसकी FRP अनलॉक कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका टेस्ट पॉइंट था गाइस, जिससे MediaTek का पोर्ट यहाँ पे बनाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम UMT से करने वाले हैं इसकी अनलॉकिंग, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल ट्रिक और बहुत ही कम समय में गाइस। तो चलिए UMT खोल लेते हैं। UMT का अल्टीमेट MediaTek टूल, MTK टूल, इसको हम ओपन कर लेंगे और फिर उसके बाद आपको हम दिखा देते हैं गाइस कि कैसे आपको वन क्लिक में इसकी आप FRP रिमूव कर सकते हैं गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी लेटेस्ट सिक्योरिटी है। तो चलिए गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा आपको वन क्लिक पे जाना है और यहाँ पे FRP पे क्लिक करना है और आपका गाइस वन क्लिक में रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे होगा एक्सक्लूज कर देना है। मैं आपको साइड में दिख रहा होगा गाइस कि आपको कैसे टेस्ट पॉइंट करना है, फोन को कैसे कनेक्ट करना है। एक छोटी सी स्क्रीन साइड में चल रही होगी, आपको उसको क्लिक करके कनेक्ट करके आपको यहाँ पे फोन को कनेक्ट करना है। मतलब दो टेस्ट पॉइंट है, उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूजर से टच करेंगे और पोर्ट को कनेक्ट करेंगे। पता है ये ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है फोन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही कम समय में हमारा फोन ये कनेक्ट हो गया और FRP भी रिमूव बहुत इजी तरीके से हो गई है गाइज। क्योंकि जो भी सैमसंग की FRP होती है बहुत मतलब टफ होती है, आप नहीं रिमूव कर पाते हैं। तो अगर MediaTek और Qualcomm है तो आप इससे ही बेसिस, इससे बेस्ट और बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, जिसमें आप वन क्लिक में गाइज देख सकते हैं FRP रिमूव हमारी हो चुकी है। अब हम चलेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन में और दिखाएंगे कि हमारी FRP रिमूव हुई कि नहीं हुई गाइज, बहुत ही कम समय में, मतलब बहुत ही वन क्लिक में हमारा FRP रिमूव हो गया गाइज। तो गाइज देख लेते हैं कि हमारी FRP रिमूव हुई नहीं, फोन ऑन कर दिया है और साइड में देख सकते हैं FRP वहां पर रिमूव हो चुकी है गाइज। तो देखते हैं कि हमारा FRP रिमूव हुआ कि नहीं। तो बहुत ही कम समय में आप इसकी सैमसंग की M02 की FRP आपने देखा लाइव कि कैसे हम चुटकी में उसके FRP रिमूव कर सकते हैं वन क्लिक में। तो गाइज ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखते हैं फटाक से ऑन होने देते हैं और ऑन होने के बाद चेक करते हैं कि हमारी FRP रिमूव हुई कि नहीं। हम लास्ट दिन तक दिखाएंगे। अब देखते स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं, एरो पे, और फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं जो स्किप का बटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइज, अभी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए स्किप का बटन आ सकता है, मतलब हमारा FRP जॉब डन हो गया गाइस। बहुत इजी तरीके से हमारी FRP रिमूव हो चुकी है। तो सैमसंग की जो भी लेटेस्ट फोन आ रहा है आप उसको CPU वाइज देख करके आप उसकी FRP रिमूव कर सकते हैं गाइस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब आप यहाँ पे गाइस, मतलब अब आपको क्या बोलूँ, मतलब अब जो लेटेस्ट फोन आ रहा है MediaTek Qualcomm बेसिस पे आप उसकी FRP बहुत इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो इसकी FRP हमने आपको जो दिखाई यहाँ पे भी कर देना है स्किप, यहाँ पे स्किप एनीवेज कर देना है और यहाँ पे भी कर देना है स्किप। और प्लीज वेट अभी जस्ट अ सेकेंड, हमारा अभी कंप्लीटली प्रोसेस, क्योंकि मैं लास्ट दिन तक वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको सारी चीजें समझ में आए गाइस, सारा प्रोसेस समझ में आया आपको। अभी भी देखते हैं फोन हमारा कंप्लीटली ऑन होता है कि नहीं होता है। तो एक छोटी सी वीडियो नेक्स्ट और यहाँ पे करेंगे हम यहाँ अभी स्किप और यहाँ पे कर देंगे स्किप और कर देंगे नेक्स्ट, फिनिश कर देंगे और गाइस ये हमारा जॉब डन हो जाएगा। और फिनिश फिनिश 1 2 3 गो। तो इस डन करेंगे और डन करने के बाद देख सकते हैं गाइस स्वाइप अप करेंगे और ये हमारा जॉब डन हो गया गाइस। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।